प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की कलीसिया। आज का जो भक्तिपूर्ण संदेश है उसका शीर्षक है यीशु मसीह की खुशी। आइए हम वचन की ओर बढ़ते हैं। यशायाह की पुस्तक पहला अध्याय तीसरा वचन मैं पढ़ता हूँ। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरणी को पहचानता है, परंतु इसराइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। यहाँ पर हम देखते हैं कि बैल या फिर गधा ये दोनों जानते हैं कि उनके स्वामी कौन है और वो कहाँ पे चरनी को लेके जाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो जानवर है वो जानते हैं कि उनके मालिक कौन है, पर इसराइल के जो लोग हैं वो ये नहीं जानते कि परमेश्वर की इच्छा क्या है उनके लिए, जबकि परमेश्वर इंसान का मालिक है। तो हमें परमेश्वर की खुशी और उसकी इच्छा जाननी बहुत ही आवश्यकता है। तो यहाँ पर चार्ल्स पर्जन, एक जो बहुत ही बड़े थियोलॉजियन है, वो यहाँ पर एक बार कोट करते हैं। वो कहते हैं कि एक ईसाई व्यक्ति का सबसे बड़ा आनंद यीशु मसीह को खुशी देना है। ये जो चार्ल्स पर्जन ने कोट किया है कि यीशु मसीह को खुशी देना है, वही बात हम बाइबल में लूका का सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 21 वचन में हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह वो 70 चेले को सुसमाचार सुनाने के लिए इसराइल में भेजते हैं, और ये जब 70 चेले जब इसराइल में जाते हैं उन लोगों को सुसमाचार सुना के फिर से यीशु मसीह के पास आते हैं, तब यीशु मसीह को वो बहुत सारी बातें बताते हैं और तब यीशु मसीह आनंदित होते कि यार इन लोग जाके उन्होंने सुसमाचार सुना है। ये जो 70 चेले हैं, ये बिना किसी बात को सोचकर वो सुसमाचार प्रचार करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि क्या मैं इसके काबिल हूँ या फिर क्या मेरी वो गुण है क्या कि मुझे सुसमाचार सुनाना चाहिए या फिर क्या मैं परिपक्व हूँ क्या, इन चीजों के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा और वो बस परमेश्वर की आज्ञा मानते और सुसमाचार सुनाते। लुका 10:21 में यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। यहाँ पर बालक कौन है? वो 70 चेले जिसको यीशु मसीह ने भेजा सुसमाचार सुनाने के लिए, वो यहाँ पर बालक है। तो ये जो चेले हैं वो बाकी लोगों जैसे बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही प्रतिभाशाली ऐसे कुछ नहीं था, वो सीधे साधारण लोग थे। पर उन्होंने एक ही बात की पुष्टि की कि आज्ञाकारी थे वो, तो वो यीशु मसीह की बात माने और सुसमाचार सुने। तो हमको भी चाहे हम बुद्धिमान हो या फिर हम बुद्धि से थोड़े कम भी हो तो भी हमको चिंता नहीं करनी चाहिए, हमको बस जो बताया गया है वैसे ही हमको सुसमाचार सुनाना चाहिए लोगों को, ताकि उनका भी उद्धार हो सके। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि हमारे जो भी काम है, बाइबल पढ़ना हो, प्रार्थना करना हो, सुसमाचार सुनाना हो, हर एक चीज में हम उनकी महिमा करें और हर एक चीज में उनको हम खुश करने का प्रयास करें। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।